दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विक्रमादित्य सिंह और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी गंगा। दोस्तों इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा कंप्यूटर के बारे में, यानी कंप्यूटर का बेसिक परिचय आपको बताऊंगा। दोस्तों आइए जानते हैं कंप्यूटर क्या है। दोस्तों कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। अंतः कंप्यूटर का अर्थ है गणना करने वाला। मुख्यतः कंप्यूटर का आविष्कार गणना करने के लिए किया गया था, यानी कि गणना के कार्यों को करने के लिए किया गया था। लेकिन वर्तमान में इसका कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत हो चुका है, इसलिए इसे संगणक या अभिकलित कहा जाने लगा है। दोस्तों कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है, जो इसके अर्थ को और भी अधिक व्यापक बना देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन अंग्रेजी अक्षरों का क्या मतलब होता है। देखिए कंप्यूटर शब्द COMPUTER आदि अक्षरों से मिलकर बना है। तो सी का मतलब होगा कॉमनली, ओ का मतलब होता है ऑपरेटेड, एम का मतलब होता है मशीन, पी का मतलब होता है पार्टिकुलरली, यू का मतलब होता है यूज फॉर, टी का मतलब होता है टेक्निकल, ई का मतलब होता है एजुकेशन एंड, और आर का मतलब होता है रिसर्च। तो ये था कंप्यूटर शब्द के अंग्रेजी अक्षरों का। दोस्तों दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर अबेकस था। इसका निर्माण चीन में किया गया था और इसके आविष्कारक थे ली काई चेन। 16वीं शताब्दी में अबेकस लकड़ी का एक आयतकार ढांचा होता था, जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता था। क्षैतिज तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। इसका प्रयोग जोड़ने व घटाने के लिए किया जाता था और वर्गमूल निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन उनके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। दोस्तों कंप्यूटर मानव द्वारा निर्मित एक अत्यंत उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। एक कंप्यूटर मूल रूप से एक प्रोग्राम की जा सकने वाली कंप्यूटिंग मशीन होती है। शुरुआत में कंप्यूटर का प्रयोग जटिल गणनाओं के लिए होता था और शुरुआत में इनका यूज केवल वैज्ञानिक एवं इंजीनियर ही कर सकते थे, क्योंकि ये काफी महंगे होते थे। बाद में सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे माइक्रोप्रोसेसर आदि की डिजाइन एवं बनावट में हुए तकनीकी विकास ने ऐसे शक्तिशाली माइक्रो कंप्यूटर्स के निर्माण को छोटे संस्थान एवं व्यक्तिगत पहुंच के अंदर संभव बनाया। क्योंकि गणना करने में ये कंप्यूटर बहुत तेज थे, अंततः इनका प्रयोग न केवल गणनाओं में होता बल्कि इनका प्रयोग सूचना को स्टोर करके उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए भी होता है। दोस्तों आइए जानते हैं कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। दोस्तों कंप्यूटर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। सबसे पहला एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर ऐसी सूचनाओं को हैंडल या प्रोसेस करते हैं जो भौतिक प्रकृति की होती हैं, जैसे तापमान और दबाव। और डिजिटल कंप्यूटर ऐसी सूचनाओं को प्रोसेस करते हैं जो अनिवार्य रूप से बाइनरी या टू स्टेट फॉर्म में होती हैं।